तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 1993 में आई फिल्म दामिनी के बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, दामिनी एक सन 1993 में आई क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसे कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में मीनाक्षी सेशाद्री टाइटल रोल में थी। साथ ही साथ इस फिल्म में सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, टीनू आनंद और परेश रावल जैसे कई महान एक्टर्स भी शामिल थे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक ऐसे औरत पर आधारित थी जो कि इंसाफ के लिए पूरे समाज से लड़ाई करती है। औरतों और दोस्तों, इस फिल्म को बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट वुमेन सेंट्रिक मूवीज में से एक भी माना जाता है। दोस्तों, सन 1993 में आई इस फिल्म को अली मोरानी और करीम मोरानी ने प्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ इस फिल्म की स्टोरी राजकुमार संतोषी और सुतानु गुप्ता ने लिखे थे। इस फिल्म के सारे गानों को नादीम और श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किया था और इस फिल्म के सारे गाने समीर द्वारा लिखे गए थे। दोस्तों, इस फिल्म में लगभग 31 मिनट के पूरे 5 गाने रखे गए थे, जिसकी कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरकम ने अपनी आवाज़ दी थी। और इस फिल्म के गाने की बात करें तो इस फिल्म में पूरे 5 गाने थे, जिसमें कि गवाह है, चांद तारे गवाह है, बिन साजल झूला झूलू और जब से तुमको देखा है सनम जैसे कई प्रचलित सॉन्ग्स भी शामिल हैं। दोस्तों, अगर इस फिल्म के एक सॉन्ग गवाह है, चांद तारे गवाह है के लिरिक्स की बात करें तो इस सॉन्ग का लिरिक्स एक स्वाहिली फोक सॉन्ग से लिया गया था जिसका नाम मलाइका था। दोस्तों, अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो सन 1993 में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए कमाए थे और अगर जो वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इस फिल्म ने 11.7 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों, हमें इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस बजट तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन शायद इस फिल्म को लगभग 3 करोड़ के बजट पर बनाया गया हो। और तो और दोस्तों, सन 1993 में फिल्म दामिनी ने लगभग 6.5 करोड़ रुपए कमाकर उस साल की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। सन 1993 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी आंखें, जिसमें कि गोविंदा और चंकी पांडे नजर आए थे। दोस्तों, इस फिल्म ने सन 1993 में लगभग 14 करोड़ रुपये की कमाई की थी और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। दूसरे नंबर पर थी चंदाजात और जैकी श्रॉफ की फिल्म खलनायक, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और तीसरे नंबर पर थी शाहरुख खान और सनी देओल की फिल्म डर, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। वहीं चौथे नंबर पर थी शाहरुख खान और काजोल और शिल्पा शेट्टी की फिल्म बाजीगर, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे 7 करोड़ 75 लाख फिल्म कमाकर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और दोस्तों, पांचवें नंबर पर थी नाना पाटेकर और राजकुमार की फिल्म तिरंगा, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे कुल 6.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और फिल्म दामिनी छठे नंबर पर थी, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे 6.50 करोड़ रुपए कमाए थे और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, साथ ही साथ इस फिल्म को मीनाक्षी सेशाद्री के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है। और तो और दोस्तों, इस फिल्म को लोगों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इस फिल्म को मीनाक्षी सेशाद्री और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक बताया था। और दोस्तों, अगर हम इस फिल्म को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 1993 में इस फिल्म के रोल के लिए सनी देओल को 1993 का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। और तो और साल 1994 में सनी देओल को रोल को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया था। साथ साथ इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर और इस फिल्म के स्टोरी राइटर सुतानु गुप्ता को बेस्ट स्टोरी और इस फिल्म के म्यूजिक डियो यानी नादिम श्रवण को बेस्ट साउंड के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया था। साथ ही साथ इस फिल्म के लिए मीनाक्षी सेशाद्री को बेस्ट एक्ट्रेस और अमरीश पुरी को बेस्ट विलन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन यह दोनों ही इस अवार्ड को नहीं जीत पाई थी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, इस फिल्म में सबसे पहले अली मुरानी और करीम मुरानी
जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे, इस फिल्म में ऋषि कपूर के रोल के लिए सबसे पहले जैकी श्रॉफ को लेना चाहते थे, लेकिन जैकी श्रॉफ के रिश्ते उन दिनों इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि वह यानी कि जैकी श्रॉफ फिल्मों में हीरो के बड़े भाई के किरदार में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, यह बात जैकी श्रॉफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, जिस कारण उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इस फिल्म में मीनाक्षी सेशाद्री के अलावा एक्ट्रेस रवीना टंडन भी होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म को लंबाई को देखते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर ने रवीना टंडन के एक सीन को इस फिल्म से निकाल दिया। और दोस्तों, इस पूरी फिल्म में रवीना टंडन के सिर्फ एक ही सीन थे। और दोस्तों, इस फिल्म में रवीना टंडन सनी देओल के अपोजिट नज़र आने वाली थी। फैक्ट नंबर 3, 2, दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले मीनाक्षी सेशाद्री और इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच बहस हो गई थी, जिस कारण राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म से मीनाक्षी सेशाद्री को बाहर निकाल दिया था। और जब वह इस फिल्म के रोल के लिए डिंपल कपाड़िया के पास गए और उन्होंने हाँ कह दिया, तो फिर ऋषि कपूर ने यह कहा कि अगर डिंपल कपाड़िया इस फिल्म में काम करेंगे तो वह इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, जिस कारण राजकुमार संतोषी को डिंपल कपाड़िया से भी दूरी बनानी पड़ी। लेकिन फिर इसके बाद राजकुमार संतोषी इस फिल्म के रोल को लेकर श्रीदेवी के पास गए, लेकिन श्रीदेवी के चार्जेस बहुत ज़्यादा होने के कारण राजकुमार संतोषी श्रीदेवी को इस फिल्म में नहीं ले पाए, और इसके बाद मीनाक्षी सेशाद्री को ही इस फिल्म में लेना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इस फिल्म के प्रमोशन के लिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर अली मोरानी और करीम मोरानी ने सनी देओल के सोलो पोस्टर्स निकाले थे, जबकि ऋषि कपूर का एक भी सोलो पोस्टर नहीं था। और इस बात से इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे, क्योंकि राजकुमार संतोषी यह चाहते थे कि इसके पोस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ ऋषि कपूर का सोलो पोस्टर रिलीज होता और सनी देओल की सिर्फ और सिर्फ परछाई दिखाई जाती, जिससे कि इस फिल्म के ऑडियंस को इस फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस फिल्म में राजकुमार संतोषी ने सबसे पहले सनी देओल की जगह ओम प्री को साइन किया था, लेकिन बाद में जाकर उन्हें यह लगा कि जैसे कि फिल्म घायल में ओम प्री ने आकर सबको सरप्राइज कर दिया था, उसी तरह इस फिल्म में भी सनी देओल सबको सरप्राइज कर दें। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस फिल्म में आमिर खान एक स्पेशल अपीयरेंस में भी नज़र आए थे, साथ ही साथ आमिर खान की यह ऐसी फिल्म थी जिसमें कि सनी देओल और मीनाक्षी सेशाद्री नज़र आए थे। और दोस्तों, इसके बाद मीनाक्षी सेशाद्री और सनी देओल आमिर खान की फिल्मों में नहीं नज़र आए, और साथ ही साथ इस फिल्म में आमिर खान ऋषि कपूर एक साथ नज़र आए थे, जो कि फिर अगले 14 साल तक एक साथ नज़र आ ही नहीं आए थे। फिर 2006 में जाकर यह दोनों एक साथ फिल्म फनाह में नज़र आए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों फिल्म दामिनी को सिर्फ 6 महीने में ही शूट कर लिया गया था, और तो और इस फिल्म को 1992 में ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन मुंबई में उस समय दंगे होने के कारण इस फिल्म को 1992 में ना रिलीज करके 1993 में रिलीज किया गया था। और तो और उस समय की बड़ी बड़ी फिल्में भी उस दंगे की वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी और रुक गई थी, जिससे कि फिर उन फिल्मों को बाद में जाकर रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों इस फिल्म का एक सुपरहिट सॉन्ग गवाह है चांद तारे को एक सॉन्ग मलाइका, जिसे कि बोनी मलाइका ने गाया था, इससे रिक्रिएट किया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म को इससे भी पहले बप्पी लहरी ने अपने एक म्यूजिक एल्बम में भी रिक्रिएट किया गया था, जिस म्यूजिक एल्बम का नाम था सुपर रूना। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों फिल्म दामिनी जो कि 1993 की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, इस फिल्म के राइट्स को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने खरीद ली है, और हो सकता है कि आगे इस फिल्म पे बेस्ड कोई नई फिल्म हमें दिखाई जाए, जिसे कि शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे हों। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे आप किन फिल्मों के फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।